दोस्तों दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी भगवान के निर्माण को 2550 साल हो गए। भगवान ने जैन सावक साविकाओं के लिए नित्य साल के 8 कर्तव्य बताए हैं। उनमें से पांचवा कर्तव्य है रथ यात्रा। पशुजन पर्व के बाद इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। मुंबई में करीब 1000 से ज्यादा संघ हैं। उनमें से साउथ मुंबई यानी दक्षिण मुंबई में करीब 200 से ज्यादा संघों ने आज यह भव्य रथ यात्रा का आयोजन मुंबई जैन संगठन के द्वारा किया गया। आज इस रथ यात्रा में 1,00,000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आज की रथ यात्रा का मुख्य आकर्षक 200 से ज्यादा संघों का योगदान एवं एकता का परिचय था। रथ यात्रा किस लिए निकाली गई? श्रवण भगवंत महावीर देव जिनको 2500 और 5500 साल आ रहा है, उनकी श्रमण संस्कृति के संवाहक है। हमारे परमात्मा ने ये बताया है कि अगर आप आराधना करते हैं तो आप में एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति विश्व कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए हम ऐसी भव्यतम रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हमारे यही मकसद है कि पर्वाधिराज पदूषण महापर्व ने जिन्होंने मास्कमन किया, 16 उपवास किया, 11 उपवास किया, 8 उपवास किया, 5 उपवास किया, 8 किया, उपवास किया, एमएल किया, उससे उनके पास जो भी शक्ति प्राप्त हुई है वो शक्ति का वर्षदान। इसका मतलब हमारी ये रथ यात्रा समस्त मुंबई में 200 संघों के प्रतिनिधित्व लेकर के ये विराट रथ यात्रा का आयोजन मुंबई,
जैन संघ संगठना के माध्यम से हुआ। इसमें 200 संघ सम्मिलित हुए हैं। इसमें हमारे भगवान महावीर देव की सुविशुद्ध परंपरा पालने वाले ऐसे 18 समुदाय की एकता इसमें सम्मिलित हुई है, और इस एकता के माध्यम से हम सिर्फ एक ही चाहते हैं कि आने वाला वर्ष, आने वाला समय अहिंसामय हो, कहीं पे भी युद्ध नहीं हो, किसी भी प्रकार के जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, ऐसी सूक्ष्म कल्याण भावना हम इस श्री संघ के मंच पर आज प्रदर्शित कर रहे हैं। और हमारी सरकार को हम ये कह रहे हैं कि भगवान महावीर उसकी 2550वीं निर्वाण वर्ष अति भव्यता से मनाया जाए, लेकिन उसमें अहिंसा का खूब प्राधान्य दिया जाए, ऐसी हम श्री संघ को और केंद्र सरकार को अपील करते हैं। साथ महाराष्ट्र सरकार को भी ये खास अपील करते हैं, क्योंकि मुंबई वो हमारी जैनों की विशेष संख्या वाली भूमि है, मुंबई के विकास में भी जैनों ने बहुत योगदान दिया है, तो यहाँ भगवान महावीर का एक अद्भुत स्मारक निर्मित होना चाहिए। ये हमारे सभी आचार्यों के माध्यम से हम आज ये प्रेरणा और ये बात श्री संघ के समक्ष और सरकार के समक्ष जन जन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सभी का कल्याण हो, यही मंगलमय शुभकामना। देखो, ऐसे डिजिटल मीडिया बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत जब तक विश्व में नहीं पहुंचेगा, तब तक शांति, समाधि, समृद्धि और उन्नति होना मुश्किल है। जिंदगी 3 अक्षर का नाम है, जिंदगी 3 अक्षर का नाम है, उसमें प्रेम के 2.5 अक्षर, तो नई युद्ध और नई लश्कर। तो भगवान महावीर का यह संदेश मैत्री, प्रेम, करुणा, वात्सल्य और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए हमारी ये दक्षिण मुंबई की 200 से अधिक जैन संघों की ये सामूहिक रथ यात्रा पूरे मुंबई के अंदर हर जगह यह संघ का संगठन होने जा रहा है। और ये संगठन बोरीवली के अंदर 27 संघ, मलाड़ के अंदर 36 संघ और ये दक्षिण मुंबई के अंदर 250 से ज़्यादा संघ इकट्ठा होकर ये और घाटकोपर के संघ और मुलुंड के ये संघ समूह रूप में भगवान महावीर की रथ यात्रा निकाल के विश्व को, सरकार को यह संदेश देते हैं कि अहिंसा का पालन पूरे अपने भारत में हो, क्योंकि भारत का अर्थ ही है हिंदुस्तान। हिंदू यानी क्या? हिंसा से जिसका मन दुखता है, दुभाता है, टूटता है, उसका नाम हिंदू है। तो हिंदू यह भावना, यह संस्कृति पूरे अपने भारत से होकर पूरे विश्व में फैलाए और विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना और भावना। चलो मोदी सूरी जी, कहा जाता है कि यदि शिवाजी ना होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। जिस भूमि में हम अभी बैठे हैं, 1942 में 8 अगस्त के दिन गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया, तो गांधी जी ना होते तो पूरा देश ईसाई बन जाता। लेकिन 2500 साल पहले यदि भगवान महावीर ना होते तो यह पूरा देश हिंसक बन जाता। आज पूरे विश्व के अंदर जहाँ भी अहिंसा का बीज पनपा है, उसके मूल में महावीर ने बताई हुई अहिंसा है। आज की रथ यात्रा के माध्यम से सिर्फ जैनों के लिए नहीं, पूरे देश को और पूरे विश्व को भगवान महावीर का अहिंसा धर्म का संदेश फैलाया गया है। पूरा विश्व इस मार्ग पे चल करके अपना आत्मकल्याण करे, यही मंगल कामना। वैसे हमारा भी यही संदेश है, हम सलाब पूरे के आचार्य पूरा करना, यही संदेश है भगवान महावीर का।
जन जन में आपका प्रचार हो और ये विश्व जो है हिंसा से मुक्त बन जाए और शांति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, इन भावनाओं के माध्यम से सारे विश्व के अंदर अहिंसा की भावना, मैत्री भावना की भावना ये गुंजित हो, और यही मंगल कामना, यही शुभकामना।